21 है। अच्छा सर, गांव क्या है? और 20 और 20704 गांव का कोड नंबर है। तगाली नाम क्या है? तगाली नाम मतलब जो नाम मेरा भूदेव सिंह तगाली है जी। अच्छा अच्छा, कितनी आपके पास जमीन कितनी है? जमीन तो साहब ऐसी है, करीबन मैं समझता हूँ कि 100-110 बीघा बैठेगी। 110 बीघा जमीन है। इसमें गन्ना आपने कितना किया? मतलब गन्ना साहब 50 बीघा करीबन जो है। अच्छा हाँ, 8 × 48 मतलब जो है 8 एकड़। अच्छा अच्छा, और धान? धान मतलब जो धान, मतलब जो धान भी साहब लगभग में होंगे 45-40 बीघा धान के लगभग। अच्छा अच्छा, और बाकी में चारा। अच्छा, क्योंकि पशु साहब 70 हैं, दूध अगर आप कष्ट कर लो तो बस वहीं पहचान हो जाएगी जाट। गेहूं कितना होगा? गेहूं मतलब जो गेहूं मतलब है जी, जो बाद में गेहूं करेंगे कितना करेंगे? गेहूं तो साहब ऐसा है कि करीबन 40-45 बीघा तो ये धान वाले ही हो गए। हाँ। और बाकी जो मील के हाथ में मतलब जो है कितना ही करवा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, जो पेड़ी खाली होगी। अच्छा ये बताइए, फसल गन्ने के साथ आप विविधीकरण क्या करते हैं? गन्ने के साथ क्या क्या करते हैं? मतलब गन्ने के फसली खेती में क्या करते हैं आप? साहब फसली खेती में तो बताया ना मैंने कि जो ऐसा है कि गन्ने मतलब अक्टूबर का गन्ना बो के हम जो गेहूँ बो देते हैं। हाँ। और अक्टूबर का गन्ना बो के उसमें हम जो है लेटा बो देते हैं। अच्छा, तो लेटे मतलब अक्टूबर के गन्ना हमारा 85 के लगभग आया। औसत जो है एक मतलब क्या? मतलब 85 कुंटल बीघा। अच्छा अच्छा, हाँ जो अक्टूबर का गन्ना है। अच्छा, अब साहब एक ही अभिलाषा रह गई बस। हाँ। मतलब अगस्त में और कर पाऊंगा। अच्छा, खेत मतलब जो खेती का बहुत शौकीन है। कर लेंगे आप, कर लेंगे अगस्त में बोएंगे। हाँ अगस्त में और बोना चाहता हूँ, और उसमें कुछ फसल नहीं होना चाहता। अच्छा हाँ, तब जाकर रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो गन्ने के साथ और क्या क्या, जैसे फसली खेती क्या लेते हैं गन्ने के साथ? साहब के साथ और कुछ नहीं, बस ये गन्ना काट के गेहूँ। अच्छा, गन्ना काट के गेहूँ और बता रहे ना, बीच में सरसों बोते हैं। बीच में सरसों। हाँ हाँ, कुछ में सरसों। अच्छा, और कुछ में गेहूँ। अच्छा, सरसों कितना हो जाता है? मतलब साहब कि अब तक जो औसत आया वो 1.25 बीघे का आया। 1.25 बीघा। हाँ, लेटे का। अच्छा अच्छा। हाँ, काला लेटा और गेहूं का आया साहब, मतलब जो अब के भी 3 क्विंटल पौने। सरसों का रेट क्या चल रहा है साहब? 4000। साहब अब तुम इस बात को मत पूछो, क्योंकि ये अखबार में निकल जाएगी और काश्तकार अपने आप को बड़ा ऊंचा मानने लगेगा। असल में खर्चे बहुत है, तो मजदूरी की बड़ी हाई फाई लागत। अच्छा अच्छा, साहब खेती में असल में गन्ने में बचत है साहब? गन्ने में भी बचत है साहब। हाँ, गन्ने में तो खैर बचत है, ये बात तो माननी की है। खैर कितना बचत है? गन्ना तो साहब ये है कि अब 60 क्विंटल बीघा निकला है। 60 क्विंटल बीघा निकला है गन्ना टोटल औसत। अच्छा, तो अब समझ लो कि जो है वो 19,500 का हो गया। ये है बात। कितना बीघा आपने किया था साहब? करीबन जो है मैं बता रहे हूँ, हाँ 50-52 बीघे के लगभग बैठे। अमर साहब उसमें बताऊं 40 रुपए बीघा साहब छुलाई चली जा रहा है। 10 लाख रुपए का लगभग। हाँ हाँ, इतना तो आराम से हो गया। और साहब उसमें 40 रुपए कुंतल तो छुलाई चली जा। अच्छा अच्छा, बात तो यही आ रही है, डीजल का रहा सब बात है। अच्छा, तो साहब आपने फिर हमारे साहब भेज दिए है जी? हाँ, वो चले गए प्रमोट होकर साहब। आप